हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। जो भी फरवरी 2021 का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं या फिर प्रमोटेड स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ही बहुत बड़ी अपडेट है। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप सभी को एक एक पॉइंट क्लियर आउट हो। इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट आप सभी के बात शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ये दूसरी बड़ी अपडेट है आज के दिन की। एक ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, जो कि आपकी प्रैक्टिकल के संदर्भ में थी, जो इग्नू ने गाइडलाइंस इश्यू की थी। अब दूसरी अपडेट है आप सभी के प्रैक्टिकल्स को यहाँ पे क्लियर कर दिया। उसके बाद में हॉल टिकट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पर इग्नू ने शेयर की है, जो कि मैं अभी आपके साथ में स्टेप बाई स्टेप आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ ही प्रमोशन को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। पहले देख लेते हैं हॉल टिकट के बारे में कि कैसे आपको जनरेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इग्नू के पोर्टल पर आ जाना है, ignu.ac.in, ठीक है, ऑफिशियल पोर्टल है। उसके बाद में जैसे ही आप अलर्ट सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा हॉल टिकट का, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देखिए हॉल टिकट का ये ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर, वैसे ही न्यू पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर दो चीज़ें फिलअप करनी है आप सभी को। यहाँ पर देख लीजिए दो चीज़ें क्या हैं, पहला है आपका इनरोलमेंट नंबर, दूसरा है प्रोग्राम कोड। दोनों ही आप सिलेक्ट कर लेंगे जैसे ही आप, फिर यहाँ पर सबमिट कर देना है। मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ एक बार आप सभी के लिए। तो देखिए यहाँ पर, सो ऑल राइट गाइज, हमने यहाँ पर प्रोग्राम कोड और इनरोलमेंट नंबर फिलअप कर दिया। अब सबमिट करने की बारी है। सबमिट करते ही आपके सामने पूरा पोर्टल यहाँ पर ऑन हो जाता है, और ये पूरा पोर्टल आपको बताता है आपके एग्जामिनेशन के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी स्टार्टिंग में जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सारी मेंशन रहेंगी, ठीक है, कि कौन सा आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है, वो सारी अपडेट्स। और यहाँ पे एक और मेन बात है, आपके एग्जाम सेंटर की बात हो गई, और यहाँ पे एक बड़ा बदलाव है कि एंड ऑफ द टाइम हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर दिया जाए। तो इसको भी एक बार आप लोग, जब लास्ट टाइम आपका 48 आवर्स बचे होंगे एग्जामिनेशन को, तो ज़रूर से आप एक बार चेक कर लें, ताकि कोई बाद में आपके साथ में प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। वैसे सडन सिचुएशन बन सकती है, लेकिन अभी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, लेकिन हो सकता है ये प्रावधान भी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड सेक्शन है गाइस आपके कोर्सेज के, जो आपके पेपर हैं उसका टाइम पीरियड को लेकर, और यहाँ पे एक एक बात यहाँ पे क्लियर की हुई है, लेकिन रिमार्क जो कि अभी आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट आपके साथ में क्लियर किया हुआ है। यहाँ पर बच्चे के टोटल 8 पेपर हैं, तो 8ों को यहाँ पर जनरेट किया हुआ है, दिखाया हुआ है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। फिर उसके साथ ही अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर गाइस एक और मुख्य बात लिखी हुई है डेट्स को लेकर। जो आप डेट्स को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, अब यहाँ से आपकी डेट्स क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में एक और चीज़ है आपकी, जो कि है सेशन को लेकर, कि मॉर्निंग सेशन है, इवनिंग सेशन है या आफ्टरनून, ठीक है, ये दोनों ही बातें यहाँ पे क्लियर है। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, जो आपका टाइम को लेकर इशू रहता है ना, वो भी यहाँ पर इग्नू ने क्लियर कर दिया है कि आपका टाइम जो है वो कुछ इस प्रकार से वेरी करेगा। मॉर्निंग सेशन आपका रहेगा 10 to 1 PM के बीच में, 3 घंटे का, और उसके बाद में आपका आफ्टरनून सेशन है 2 to 5, ठीक है। तो टाइम बेसिकली ठीक ही है, बट यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कोविड तो अभी भी है, ठीक है, तो वो बात मेन है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जो कि एज ए डेट सिमिलर इंस्ट्रक्शन है, जो कि हम गुंजाइश भी कर रहे थे कि इग्नू की ओर से ऐसे इंस्ट्रक्शन भी आने होंगे, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में ये इंस्ट्रक्शन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक इंस्ट्रक्शन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। पहली बात कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर सकते आप एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जामिनेशन के दौरान। तो इंपॉर्टेंट है, आप गलती से भी लेके मत चले जाना, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, कैलकुलेटर अलाउ है, बट आपके कोर्स कोड पे डिपेंड करता है कि कोर्स कैसा है आपका, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं क्वेश्चन पेपर पे वेरी कर रखो कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है यहाँ पे कि फॉलो करना है, लेकिन एग्जामिनेशन में देखने की बात है कि कितनी फॉलो होती है और कितनी वहाँ पे फॉलो कर पाते हैं। सबसे मेन बात है, अंदर तो आप एग्जामिनेशन हॉल में मेंटेन कर लेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन बाहर का क्या करेंगे। बाहर की किसी ने भी, जितने भी एग्जामिनेशन अभी तक हुए, किसी में भी सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिली। SSP की तो पूरी धज्जियाँ उड़ी ही हैं, ये मेन बात है, और ये हर एक कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को सोचने वाली बात है कि ये गलतियां ना दोहराई जाएं, अब की बार सुधार किया जाए। फोर्थ पॉइंट आपकी पर्सनल हाइजीन को लेकर है, और दूसरों की हाइजीन को भी लेकर है, कि आप अपनी सेफ्टी भी रखें और दूसरों की भी सेफ्टी का ख्याल रखें, ठीक है। उसके साथ में कुछ एक और है, सिनेरियो की बात की गई है कि लास्ट चैलेंज में आपका हो सकता है कि कोई बदलाव देखने को मिले एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर, ठीक है। तो इसके लिए आप
अपनी ओर से अवेयर रहें। तो इसमें चांसेस बन सकते हैं 5 और 6 में यही बातें हैं। फिर आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को बारे में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर कि भैया कौन से मीडियम पर हम पेपर दे सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर देखिए इग्नू ने क्या लिखा हुआ है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर टू द क्वेश्चन ऑल इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर, यानी कि आपको जो प्रोग्राम जिस माध्यम में ऑफर किया गया है उसी में आप पेपर दे सकते हैं। अदरवाइज किसी और में देते हैं तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, ये बात मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है। लेकिन उसका भी मैंने एक रास्ता बताया था, वो उसको भी अपना सकते हैं आप। पॉइंट नंबर 8 है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। आंसर स्क्रिप्ट रिटन इन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम आर नॉट ऑफर विल नॉट बी इवेलुएट ऑन द सेम विल बी कैंसल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन इंटीमेशन टू द स्टूडेंट इन सच केस द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर रीअपेयर इन द एग्जामिनेशन। देखिए अगर आप किसी भी इनप्रोप्राइट लैंग्वेज में लिखते हैं, यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पे मेन गौर करने वाली है, यहाँ पर बोला गया है रीजनल लैंग्वेज के अलावा। देखिए आपके जो पेपर्स होते हैं ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी में तो अलाउ करते हैं, उसके अलावा अगर आप लिखते हैं किसी में तो आपके कैंसिल होती है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में इशू आए तो हिंदी में लिख सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में क्लियर आउट किया है कैसे करना है। पॉइंट नंबर 9 है, द स्टूडेंट हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स इन हिंदी मीडियम रेस्पेक्टिव ऑफ द सेम इन इंग्लिश मीडियम, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्लियर किया था कि आप लोग चॉइस मिल जाएगी आपको फर्स्ट पेज के थ्रू आप कर सकते हैं। यही बात इग्नू ने भी यहाँ पे क्लियर कर दी, ठीक है। उसके बाद में मेन बात है आपकी कि कौन से पेपर MCQ होंगे, कौन से आपके यानी ऑब्जेक्टिव और कौन से सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरी लिस्ट है आपके कौन कौन से पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं उसके बारे में बताए हुए हैं, कौन से सब्जेक्टिव हैं वो बाकी रिमेनिंग आपके सारे ही सब्जेक्टिव पेपर हैं इनको छोड़ के, ठीक है। लास्ट पॉइंट है 11th, रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ डेट एंड सेशन, एग्जाम विल नॉट बी इंटरनेट इंटर्न इन केस ऑफ द कोर्स आर फ्रॉम द सेम ग्रुप ग्रुप 1 और 6, जो कि ऑलरेडी हमने बात की थी। और क्योंकि ये बैकलॉग वाले कोर्सेज थे इनमें आपके बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं। स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर अपेयरिंग प्रैक्टिकल, जो कि अगर आपका है प्रैक्टिकल या लैब का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट करना है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, ये थे आपके विशेषकरण उदाहरण और विशेष बातें जो आप सभी ने जान ली। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भैया प्रमोशन का हुआ तो हुआ क्या, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, आप एक प्रमोशन वाले बच्चे की आपको यहाँ पर हॉल टिकट दिखाते हैं कि एक्चुअल में उसकी हॉल टिकट में क्या शो हो रहा है। सो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने एक हॉल टिकट जनरेट की है एक बच्चे की जिसका प्रमोशन यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है, जो कि आपका दिसंबर में 10 तारीख को जो नोटिस आया उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को प्रमोशन मिला हुआ है। जून का बच्चा, ठीक है, जिसका जुलाई 2019 सेशन था और जून 2020 में एग्जामिनेशन होने थे, जिनको प्रमोशन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, मेन गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर इग्नू ने लिखा क्या है, ठीक है। यहाँ पर हॉल टिकट जनरेट नहीं किया, यहाँ पर मेन बात कही है, एनरोलमेंट नंबर डैश एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 एज पर द नोटिफाइड डेटेड 10/12/2020, जो कि आपका नोटिस आया था, ठीक है। ये कोर्स कोड हो गए। उसके बाद में मॉड्यूलेशन फॉर प्रमोशन एंड फर्स्ट आपके इंटरमीडिएट के, जो कि आपका नोटिस का मेन हेडिंग थी, यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते, आपकी यहाँ पर पर्सनल चॉइस मिल जाती है। यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब मुझे लगता है कि यहाँ से हो सकता है कि इग्नू आपका जो फॉर्म है, जिसे हम बात कर रहे थे कि फॉर्म निकलेगा और जो कि FAQ के अकॉर्डिंग था, तो हो सकता है कि अब ना निकले, क्योंकि यहाँ पर क्लियर एंड कट है कि अगर आप प्रमोटेड तो हो, यहाँ पे क्लियर हो गया कि आप प्रमोटेड हो। बस यहाँ पे मेन बात रह गई कि अब आपको करना क्या है, चाहे तो आप फरवरी के एग्जामिनेशन में अपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना चाहते नहीं कर सकते, क्लियर कट है आप प्रमोटेड हैं, ठीक है। तो ये थी फाइनल अपडेट आप सभी के लिए। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया हो कि अब करना क्या है, और प्रमोशन को लेकर जल्दी आप सभी को एक फाइनल अपडेट इग्नू की ओर से देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम भी वेट कर रहे हैं कि कब इग्नू की नींद, इग्नू जो ऑफिशियल्स हैं उनकी नींद जागती हैं, नींद से जागते हैं और आप सभी के लिए अपडेट रजिस्टर्ड करते हैं कि आप सभी के प्रमोशन को लेकर एक्चुअल में क्या सीनरी है। सो ऑल राइट गाइस,
जैसा कि आप लोगों ने दो अपडेट मुख्य देख ली, पहली थी आपकी बीएससी के प्रैक्टिकल्स को लेकर, दूसरी अपडेट थी आपके एग्जामिनेशन को लेकर। अब यहाँ से रुख पूरी तरह क्लियर होता नज़र आ रहा है कि आप सभी के जो एग्जामिनेशन है वो कन्फर्म होते नज़र आ रहे हैं। आपके जो 8 तारीख टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग था उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन होते नज़र आ रहे हैं। अगर कुछ फेरबदल होता है आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए फाइनल है कि आपके एग्जामिनेशन 8 तारीख से जो शेड्यूलिंग रखी गई है उसके अकॉर्डिंग होने वाले हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, उसके लिए आप लोग तैयारी करते रहें। और अगर आपको कोई समस्या आती है कि तैयारी कैसे करनी, क्या बेस्ट रहेगा, कहाँ से पढ़ें और क्या मटेरियल पढ़ें, तो उसके लिए यार ये वाली वीडियो मैंने बहुत सॉलिड प्लान करके एनालाइज करने के बाद में उसके बाद में ये वीडियो प्रिपेयर की है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाली हैं, आप एक अच्छे स्कोर ईजिली करके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर जरूर कर देना, सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, और साथ ही आप लोग हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं ताकि और भी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप सभी को सबसे पहले मिलते रहें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन सकते हैं ताकि आपको और भी फीचर्स मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।